औरंगजेब प्रोटेक्टेड मोर टेम्पल्स देन ही एक्चुअली डिस्ट्रॉयड। ना ना, ये मेरा कहना नहीं है, ये तो वर्ल्ड क्लास पार्ट टाइम हिस्टोरियन और फुल टाइम औरंगजेब लवर ऑडियो टशकी जी का कहना है। वैसे हमारे देश के एमिनेंट हिस्टोरियन का भी ऑलमोस्ट सेम ही कहना है, औरंगजेब वॉज नॉट अ विलन, बट हमारे देश के क्रिमिनल फोर्सेज ने उसे विलन में कन्वर्ट कर दिया। ऑडियो टशकी जी का ये भी मानना है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वॉज मिसोजिनिस्टिक, एंड कोइंसिडेंटली हमारे देश के पद्म भूषण से सम्मानित लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन का भी ऑलमोस्ट यही व्यू है। ऑडियो टशकी के हिसाब से 2002 गुजरात राइट्स ने हिंदूज ने हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया, एंड वी ऑल नो कि ये झूठ पिछले 20 सालों से प्रोपोगंडा के तहत कौन लोग चला रहे हैं। सो देर आर लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ आर हिस्टोरियन एंड ऑडियो टशकी। तो अब क्या माना जाए, कौन किससे इंस्पायर हो रहा है? क्या ऑडियो टशकी हमारे हिस्टोरियन को फॉलो कर रही है, या फिर हमारे हिस्टोरियन ऑडियो टशकी को फॉलो कर रही है? अगर आप क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। दैट मीन्स ऑडियो टशकी एक्चुअली हमारे हिस्टोरियन को फॉलो कर रही है। मोस्ट ऑफ द फैब्रिकेटेड ट्रूथ एंड लाइज अबाउट आवर कंट्री एंड हिंदूज इज रिटन एंड एक्सपोर्टेड टू वेस्ट बाय आवर ओन लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस। आज अगर वर्ल्ड हमारी कंट्री को अनडेमोक्रेटिक, कम्युनल एंड नॉन लिबरल मानता है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस का है। आज अगर एक इंडियन अपने रूट्स के प्रति अपोलोजेटिक एंड डिफेंसिव फील करता है, तो इसके पीछे भी सबसे बड़ा हाथ इन लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस का ही है। रोमिला थापर, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया, शी इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन हिस्टोरियन इन वेस्ट। रोमिला थापर नॉर्मली एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखती है, अशोका द डिक्लाइन ऑफ मौर्यस, एंशियंट इंडियन सोशल हिस्ट्री उनके कुछ पॉपुलर बुक्स हैं। मोस्ट ऑफ द फैब्रिकेशन डन इन एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डन बाय रोमिला थापर। ऑल द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो इंडिया और हिंदूज के अगेंस्ट में जाती है, उसको रोमिला थापर ने हमेशा प्रमोट किया है। For example, separation of Hinduism from India, Hinduism versus Buddhism, Aryan versus Dravidian theory, and the most favorite, whitewashing the atrocity of Mughals. Romila Thapar was the first one to suggest that Hindu temples were also destroyed by Hindu kings. 1969 में रोमिला थापर हरबंद मुखिया और बिपिन चंद्रा के साथ मिलकर 60 पेजेस का एक बुकलेट लिखा था, कम्युनिज्म एंड द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। रोमिला थापर ने इस बुकलेट में यह समझाने की कोशिश की थी कि मुस्लिम इन्वेडर्स का मंदिर तोड़ना सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बस एक अजम्पशन है। महमूद गजनी ने जो मंदिर तोड़ा वो सिर्फ हिंदू हेट्रेड के लिए ही तोड़ा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके पीछे कुछ और भी रीज़न हो सकता है, और इसके पीछे रिसर्च करना चाहिए, और इस रिसर्च के लिए हमें हिंदू किंग्स के भी ट्रेडिशन को देखना चाहिए कि क्या उन्होंने भी कभी मंदिर तोड़ा था या नहीं। एंड देन शी गेव अ एग्जांपल ऑफ किंग हर्षा फ्रॉम कश्मीर हु एक्चुअली डिस्ट्रॉयड हिंदू टेंपल एंड बुद्धिस्ट टेंपल। रोमिला थापर ने कश्मीर के राजा का रेफरेंस राजा तरंगिणी से लिया था, जो कि एक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है कश्मीर की, एंड विच वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर कल्हान। रोमिला थापर ने यह तो सही बताया कि किंग हर्षा ने हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों ही टेंपल को डिस्ट्रॉय किया था, पर रोमिला थापर ने यह मेंशन नहीं किया कि कल्हान ने अपने बुक में यह मेंशन किया है कि इट वाज अ एक्ट ऑफ तुरुष्का मींस मुस्लिम एंड इट वाज डन अंडर द इस्लामिक इन्फ्लुएंस एंड इट वाज हेवीली क्रिटिसाइज्ड। मीनाक्षी जैन अपनी बुक फ्लाइट ऑफ डेइटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स में खरबेला द किंग ऑफ कलिंगा एंड नरसिम्ह वर्मन किंग ऑफ पल्लवा डिनेस्टी के बारे में बताती हैं कि दोनों अपने अपने दुश्मन राज्य को हराने के बाद उस राज्य में स्थापित जैन तीर्थंकर और भगवान गणेश की मूर्ति को अपने अपने राज्य में विद ऑनर स्थापित किया था। इन फैक्ट एज पर पूर्व कारगनम, जीतने वाले हिंदू किंग को हारने वाले हिंदू किंग के डेइटीज को अपने राज्य में लेकर स्थापित करना अनिवार्य है। Hence, this proves that breaking Hindu temples by Hindu kings were not in tradition at all. Remember, 1969 के बुकलेट में जो रोमिला थापर ने लिखा था, it was just an assumption. That means, maybe, जैसे कि हिंदू किंग अपने हिंदू टेम्पल्स को रिलीजियस बेसिस पे ना तोड़कर किसी और रीजन से तोड़ रहे थे, वैसे ही इस्लामिक इन्वेडर्स के केस में भी रिलीजियस रीजन के अलावा कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन की प्रॉब्लम यह है कि उनका मे बी कब देयरफॉर और कंक्लूजन में कन्वर्ट हो जाता है, ये पता नहीं चलता।
एंड रोमिला थापर के इस अजम्पशन के केस में भी वही हुआ. व्हाट स्टार्टेड एज मे बी बिकेम देयर फोर. सिंस हिंदू टेम्पल्स वेयर ऑल्सो ब्रोकन बाय हिंदू किंग्स, देयर फोर ब्रेकिंग ऑफ टेम्पल्स बाय इन्वेडर्स शुड ऑल्सो बी नॉर्मलाइज एंड शुड नॉट बी सीन फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू. And that's exactly what Edward Luce, an English journalist, wrote in 2003 in the review of Romila Thapar's book, Early India, that was published in 2002. That means what started as assumption in 1969 became a part of a book in 2002 as a fact. And then in 2003, Romila Thapar came with another book, Somnath, The Many Voices of History, which was completely based on this misinformation. Hindu kings also broke Hindu temples became mainstream. Several articles were written taking this misinformation as fact nationally and internationally. Y.C. Rosser, एक अमेरिकन स्कॉलर है, उन्होंने करीब एक डेकेड तक डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में ये हिंदू किंग ब्रोकन हिंदू टेम्पल वाली बात पढ़ी एंड ही थॉट इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट एंड सिंस इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट मीन्स देयर शुड बी सम वेल रिकॉर्डेड रिसर्च पेपर ऑन इट. और इसीलिए 2000 में वो हरबंस मुखिया से मिले, क्योंकि मार्च 2000 में ही हरबंस मुखिया ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने इस फैक्ट को कोट किया था. रॉसर ने मुखिया से रिसर्च पेपर के बारे में पूछा. मुखिया ने बताया कि उनके पास तो कोई रिसर्च पेपर नहीं है, लेकिन शायद रोमिला थापर के पास है. रॉसर काफ़ी शॉक्ड हो गई, क्योंकि हरबंस मुखिया ने ढेर सारे आर्टिकल में इस फैक्ट को कोट किया था विदाउट एनी रिसर्च पेपर. 3 दिन बाद वो रोमिला थापर से भी मिली और उनसे भी रिसर्च पेपर के बारे में पूछा. रोमिला थापर रिप्लाइड दैट शी नेवर रिटन एनी रिसर्च पेपर टू सपोर्ट दिस फैक्ट. हाँ, लेकिन एक अमेरिकन स्कॉलर है रिचर्ड ईटन, जिन्होंने कुछ रिसेंटली लिखा है अपने बुक के प्रेफेस में. जस्ट इमेजिन, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन का कंक्लूजन फ्यूचर के रिसर्च पे बेस्ड होता है. राम मंदिर के केस में भी रोमिला थापर एंड गैंग ने यही किया था. राइट फ्रॉम द बिगनिंग, रोमिला थापर एंड गैंग ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ खड़े रहे और ये बताते रहे कि राम मंदिर तो वहाँ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था. दे रोट न्यूमरस आर्टिकल सपोर्टिंग दिस लाई इन ऑल द मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर. लेकिन जब डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी ने उन्हें प्रूफ सबमिट करने को कहा, तो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने बताया कि अभी उन्हें और समय चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक एविडेंस पे रिसर्च नहीं किया. अगेन, देयर कंक्लूजन केम फर्स्ट एंड रिसर्च आफ्टरवर्ड. एनसीईआरटी के हिस्ट्री बुक भी जेएनयू के लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने ही लिखा है. एनसीईआरटी के 12th के हिस्ट्री बुक में ये मेंशन था कि औरंगजेब और शाहजहां ने टेंपल बनवाए. जब 2020 में आरटीआई के थ्रू एनसीईआरटी से पूछा गया कि इसका सोर्स क्या है, एनसीईआरटी का रिस्पॉन्स था कि दे डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट इट. चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन मौलाना साजिद रशीदी जनवरी 2023 में एक न्यूज़ चैनल को ये बताते हुए दिखे कि कैसे महमूद गजनी वॉज नॉट रॉन्ग वेन ही इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल. उन्होंने ये बताया कि महमूद गजनी सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा नहीं था, बल्कि गजनी ने तो वहां चल रहे आस्था के नाम पे लड़कियों के साथ गलत काम को रुकवाया. गजनवी ने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जबकि हिस्ट्री ये है कि वहां के लोगों ने आकर उनको बताया, वहां की सारी कैफियत बताई कि मंदिर में आस्था के नाम पर क्या हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर क्या हो रहा है, वहां लड़कियों को कैसे जो है लापता कर दिया जाता है. और उसके बाद में भी गजनवी ने वहाँ बाकायदा मुआयना कराया, पता कराया, अपने सीआईडी भेजे. जब पता चला कि हाँ ऐसा है, तब जाकर सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई की. सोमनाथ के मंदिर को उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि वहाँ जो गलत कार्य हो रहे थे उसको ख़त्म करने का काम किया. लेकिन जब सोमनाथ टेंपल ट्रस्ट के जनरल मैनेजर ने एक FIR दर्ज किया रशीदी के अगेंस्ट में, तो रशीदी ने अपोलोजाइज किया और ये भी बताया कि वो तो बस वो बता रहे थे जो उन्होंने रोमिला थापर के बुक में पढ़ा था. देखिए, मैंने जो सोमनाथ पर बयान दिया था उसका मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था. मैंने सिर्फ एक रोमिला थापर जो हिस्टोरियन हैं, मैंने उनको पढ़ा था. उनका कहना यह है कि इस हमले को किसी धर्म से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उस वक्त में जो भी हमले इस तरह के हुआ करते थे वो अपनी सल्तनत, अपनी बादशाहत को बढ़ाने के लिए हुआ करते थे. उनका मकसद इस्लाम को बढ़ाना,
या हिंदू मत को कम करना, ये मकसद उन लोगों का नहीं हुआ करता था। उस जमाने में जो हिंदू बादशाह होते थे, उन लोगों ने भी बाकायदा हिंदू हुकूमतों पर हमला किया और उनके मंदिरों को तोड़ा, उनकी मूर्तियों को तोड़ा। बल्कि वो अपनी जीत जब ही समझते थे जब उनके मंदिरों को तोड़कर तबाह कर दिया करते थे, मूर्तियां तोड़ दिया करते थे।